हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में दो पहिया वाहन शोरूम में लगी भीषण आग, 25 गाड़ियां जलकर हुई खाक, 60 लाख रुपए से अधिक का नुकसान, 3 घंटों में पाया आग पर काबू। शहर के मगरा पुंछला से दो पहिया वाहनों के एक शोरूम में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। इस हादसे में शोरूम में रखी करीब 25 गाड़ियां जल गई। इनकी कीमत करीब 8 लाख से अधिक बताई गई है। आधा दर्जन दमकलों को आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार मगरा पुंछला क्षेत्र में सहारा इवॉल्व नाम के दोपहिया वाहन शोरूम में मंगलवार अलसुबह करीब 5 बजे आग लग गई। शोरूम में लगी आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। शोरूम के अंदर रखे करीब 25 वाहन जलकर खाक हो गए। आग के विकराल रूप लेने से शोरूम में बना फर्नीचर और भवन भी आग की तपन से क्षतिग्रस्त हो गए। फायरमैन मुकेश सैनी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे आग की सूचना मिली थी, तब आग की विकरालता को देखते हुए शास्त्री नगर अग्निशमन केंद्र से भी 2 दमकलों को बुला लिया गया। बाद में मंडोर अग्निशमन केंद्र से भी 4 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। शोरूम में उठते धुएं के गुब्बार के बीच दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की। तब तक शोरूम के भीतर रखे करीब 25 वाहन जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। माना जा रहा है कि बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया और पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी पर मंडोर अग्निशमन केंद्र के अधिकारी जयसिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे। फायरमैन शैलेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, आयुष्मान सिंह, राहुल अवस्थी, राकेश सैनी, रजत प्रताप सिंह, उत्तम सिंह, गेनाराम विशोई, ड्राइवर अर्जुन लाल कटवासरा आदि वहां पहुंचे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।